बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि कोई हमें ऐसा इंस्टीट्यूट बता दें जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन ओपन हो। तो अभी अभी रिसेंटली जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है उसने अनाउंस किए हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन। आप लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें सरगोधा मेडिकल कॉलेज का बताया जाए अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन ओपन है या नहीं। देखिए, सरगोधा मेडिकल कॉलेज पता नहीं एडमिशन ओपन करता है नहीं करता अलाइड हेल्थ साइंसेज में, क्योंकि लास्ट ईयर अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम सरगोधा मेडिकल कॉलेज में बहुत कम थे, क्योंकि मैं सरगोधा मेडिकल का हिस्सा हूँ तो मुझे पता है। सरगोधा मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो, फार्म डी डीपीटी, ये सारी हम एक मतलब एक पार्ट है मेडिकल का, ठीक है। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर ने जो अनाउंस किए हैं, मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था लेकिन आप लोगों की हेल्प की वजह से, शायद आपकी थोड़ी एक दो स्टूडेंट की अगर हेल्प हो जाती है उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे होता है कि इंसान एक दूसरे की थोड़ी बहुत हेल्प ही कर सकता है। बाकी अल्लाह ताला आप सबके अच्छी जगह के ऊपर एडमिशन करवाए। तो यूनिवर्सिटी जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, बेसिकली मैंने खुद भी अप्लाई किया था, मेरा वहाँ पर नाम भी आ गया था लेकिन मैं गया नहीं था किसी रीज़न की वजह से। तो मेरा दोस्त वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो जो प्रोग्राम्स हैं वो सारी मैं आपको डिटेल्स देने लगा हूँ कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो काइंडली आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि एडमिशन के ये लास्ट डेटेड हैं। अगर आप इन दिनों भी एडमिशन से रह गए तो हो सकता है आपका साल ज़ाया हो जाए, अगर साल ज़ाया हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। पहला जो प्रोग्राम है वो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी। इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर और फीमेल के लिए बहुत अच्छा फील्ड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं फार्म डी का स्टूडेंट हूँ तो अक्सर मुझसे ये स्टूडेंट पूछते हैं कि फार्म डी और डीपीटी में से बेटर फील्ड कौन सा है। तो आपके लिए डीपीटी भी अच्छा है, फार्म डी भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है। गर्ल्स के लिए डीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फार्म डी भी गर्ल्स के लिए अच्छा है, लेकिन हम किसी फील्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला जो फील्ड है वो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने आपके लिए अनाउंस किया है कि हम डीपीटी में आपको एडमिशन देंगे। और इसके लिए जो क्राइटेरिया वो आपके एफएससी क्राइटेरिया पर है, ओपन मेरिट है, ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह मेरे ख्याल से वो आपसे नहीं लेंगे, जस्ट आपके ओपन मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी। और इसमें एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर है ना वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जो दूसरे पंजाब के डोमिसाइल से अलावा हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा है MIT, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। MIT भी बहुत अच्छा फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह आ नहीं आ जाते, जिसमें फीमेल अल्ट्रासाउंड वगैरह करती हैं या एक्सरे वगैरह करती हैं या चेस्ट एक्सरे करती हैं या CT स्कैन करती हैं, ये जितने भी फील्ड्स वाले होते हैं ना ये MIT वाले होते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा जो फील्ड है MLT, इसके लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं आपको क्राइटेरिया, वही आपका FSC का रहेगा, आपकी ओपन मेरिट होगा, ओपन मेरिट के अलावा आपकी कोई सिलेक्शन नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं लेती यूनिवर्सिटी जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है। देन MLT है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें जो आपके सारे ब्लड टेस्टिंग है लाइक आपका यूरिया टेस्ट हो गया, आपका क्रिएटिनिन टेस्ट हो गया, आपका ALT, AST, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट हो गया, जितने भी बिली रूबन टेस्ट हो गए, ये लोग जो MLT वाले होते हैं ये करते हैं, यानी कि आपकी ब्लड वेन से ब्लड को निकालेंगे और टेस्ट चेक करेंगे कि यूरिया की वैल्यू कितना है। ये भी फीमेल के लिए अच्छा फील्ड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेल के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है, ये सारे फील्ड बहुत अच्छे हैं, आने वाले दिनों में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपने मेडिकल कर रखी है, बायो से FSC पास कर रखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई लाजमी करो, चाहे आपके 60% भी मार्क्स हैं आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब मेरिट बनना ना बनना वो बाद की बात है, आप अप्लाई तो करो, क्या पता बन जाए, ठीक है। दूसरी जो है, तीसरा है डेंटल टेक्नोलॉजी। डेंटल टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम्स है, MIT, MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे 4 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन जो DPT है वो 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। डेंटल टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा स्कोप है, लाजमी नहीं है कि आपने सुना होगा कि वो फलां डेंटल रोल रहा है, फलां डेंटल जो सड़क पर बैठा था, ये जो डेंटल आप सड़कों पर देखते हैं कि 50 रुपये में अपना दांत निकलवा लें, ये और डेंटल होते हैं, ठीक है। आपने जाहिर बात है 4 साल का कोर्स किया होगा तो अच्छी खासी आपकी जॉब लग सकती है, अच्छी खासी आप अर्न कर सकते हो, अच्छी खासी आप अपनी क्लिनिक रन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा अप्लाई करो, क्या पता आपका इनमें से कोई किसी में एडमिशन हो जाए। मेरा खुद का दोस्त निश्तर मेडिकल कॉलेज में डेंटल टेक्नोलॉजी करा, वो तो कहता है यार हम तो बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। तो आप प्लीज़ किसी भी फील्ड को इग्नोर मत करो, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी, ये भी 4 ईयर प्रोग्राम है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी का अक्सर बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसका मैं आपको बताता हूँ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी क्या होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी ये होती है कि कुछ ऐसे पेशेंट जो कॉन्शियस हो जाते हैं, जो बिल्कुल कोमा वगैरह में चले जाते हैं, या वो पेशेंट, वो मरीज़ जो बोल नहीं सकते, यानी कि या तो बहरे हो गए या गूंगे हो गए या जो भी है, स्पीच लैंग्वेज थेरापी मतलब आपने इशारे से उनको समझना है। क्योंकि एक पेशेंट फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कंडीशन में पड़ा हुआ है तो आपने उसको कैसे समझाना है,
जहरी बात है, आपने उसको इशारों के थ्रू ही देखना है ना कि ये बंदा क्या कर रहा है, उसकी स्पीच कैसी, उसकी लैंग्वेज, ये इशारा कर रहा है तो इसका ये मतलब होगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, और ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, ठीक है। और जो ऑपरेशन, उसके बाद OT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। उसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कि वो जो डॉक्टरों के साथ मास्क लगाकर खड़े होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये भी मेल के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है, फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है। क्योंकि मैं फार्मडी का स्टूडेंट, मेरा 4th ईयर है, तो मुझे पता है, क्योंकि हम लोग मार्केट में घूमते रहते हैं। हम क्योंकि एक मेडिकल का फील्ड दूसरे मेडिकल के फील्ड से जुड़ा हुआ है। DPT, फार्मडी, MBBS, BDS, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, सारे के सारे फील्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक फील्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते अगर ये फील्ड होगा तो इसकी ये वैल्यू होगी, कोई भी मसला नहीं है। और इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देने लगा हूँ, इसलिए मैं कह रहा था आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो इसमें जो पहली अप्लाई करने की जो डेट है वो है 10 नवंबर। 10 नवंबर से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो ही 10 नवंबर स्टार्ट होगी, 10 नवंबर 2021 आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपको, आप इनमें से सारे में करें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप सारों में करें, कोई मसला नहीं है। जितनी फीस होती है वो आप दे देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका इनमें से अगर किसी में एडमिशन हो जाता है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, यार बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यकीन करो, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने विजिट किया था, मेरा एडमिशन जब हुआ था, इतना मतलब कि पढ़ाई, इतना इन्वायरमेंट, इतना पेशेंट केयरिंग, सब कुछ अच्छा है। हम लोग इंटर्नशिप करने जाएंगे फाइनल ईयर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा था। तो जी अप्लाई करने की जो डेट है वो है 10 नवंबर 2021, जहन में रख लेना। और जो क्लोजिंग डेट है मेरिट की, सॉरी एडमिशन की, वो है 22 नवंबर 2021 को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन दिनों में भी प्लीज़ एक्टिव रहें। थोड़ा सा मैंने कितनी वीडियोस में कहा है, प्लीज़ 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 एक्टिव रहें, क्योंकि एडमिशन के यही दिन हैं। तो 10 नवंबर को एडमिशन स्टार्ट होंगे, 22 नवंबर को एडमिशन क्लोज। देन क्या होगा कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 2 दिसंबर को लगेगी। 2 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जिसमें आपने इन तमाम फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया होगा। उन तमाम फील्ड्स की 2 नवंबर को पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और जो 2 दिसंबर को लिस्ट लगेगी, 2 दिसंबर के बाद, यानी कि आपको ना 9 दिसंबर तक टाइम दिया जाएगा कि आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। अगर आप 9 दिसंबर और 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक फी सॉरी नवंबर बोल रहा हूँ दिसंबर दिसंबर तक फीस सबमिट नहीं करवाओगे तो आपको एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि फ़ीस सबमिशन मेन है। फ़ीस सबमिशन नहीं करवाओगे तो सीट किसी दूसरे बंदे को मिल जाएगी। और जो सेकंड है वो 17 दिसंबर 2021 को दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी। जितने भी अलाइड हेल्थ सेंसेस के प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर कर रही है, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, तो और जो आपने इसमें फ़ीस सबमिट करवानी होगी वो 21 दिसंबर 2021 तक करवानी होगी। 21 दिसंबर तक आप फीस जमा करवाओगे तो आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, वरना आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 23 दिसंबर को लगेगी 2021 को, और जो आपने फीस सबमिट करवानी होगी वो 28 दिसंबर 2021 तक करवानी होगी, क्योंकि यह आपके लिए यही चीज़ होती है, ठीक है। 20 से लेकर 28 के दरमियान आपने अगर फीस सबमिट करवा दी तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, वरना आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। इसमें फिर क्लासेस जो लगेंगी वो लगेंगी 6 जनवरी 2021 को आपकी पहली क्लास होगी, अगर आप में इनमें से किसी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितने सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमें अलाइड हेल्थ सेंसेस के बारे में बताया जाए कि सरगोधा मेडिकल कॉलेज अलाइड हेल्थ सेंसेस करवाती है नहीं करवाती। उस चीज़ का यार छोड़ो, अभी अभी जहाँ पर एडमिशन ओपन है तो एटलीस्ट आप उनमें अप्लाई करो, आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। किसी ना किसी फील्ड में आप लाजमी अप्लाई करो जो लोग पाए उसे पास हो। अगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर एडमिशन हो जाता है अलाइड हेल्थ साइंसेस में, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है। इतने अच्छे फील्ड्स हैं ये सारे, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत स्कोप भी टच दिया है, चाहे DPT है, चाहे MAT है, चाहे MLT है, इन सब का स्कोप बहुत बहुत अच्छा है। आप टेंशन ना लो, इतना अच्छा स्कोप है कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, वो कर रहा है MLT, वो कहता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अब फाइनल ईयर शुरू होने वाला है। MLT वो कर रहा है, कहता है कि अभी से मैं अर्न करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है तो आप वहाँ से अच्छी खासे अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ से लाजमी ज्वाइन करो, लाजमी अप्लाई करो, वो स्टूडेंट जिन्होंने बायो से पास कर रखी है। मेरिट जहाँ पर रुकेगा वो और बात है, ठीक है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक मेरिट ज़्यादा जाएगा,
लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा मैं, मुझे आपसे कोई ना तमा है, ना मैंने आपके घर रिश्ता भेजना है, ना मैंने आपके घर रोटी आकर खानी, ना मैंने आपके घर से कुछ पैसे लेने हैं, कुछ भी नहीं करना मैंने। आपकी अगर हेल्प हो रही है थोड़ी बहुत तो प्लीज़ इग्नोर मत किया करें, ठीक है। इन चीज़ों को आप अभी थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दें, बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि यही दिन है आपके लिए एडमिशन के लिए। अगर आपका अल्लाह ना करे एडमिशन नहीं होता, आपके लिए मसले हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, आपके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने ख्वाब देख रखे हैं उनका, आपके ख्वाब का ड्रीम, अपने आपके ड्रीम्स का क्या होगा, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स के साथ मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब लाजमी करते जाना चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।